बात इस तरह से है कि हम अपने मेरी बच्ची का जो है वो हार्ट पेशेंट है, उसका हमने अभी थोड़े लगभग 7-8 महीने हुए हैं हार्ट ऑपरेट करवाया है, उसमें हमारा बहुत खर्चा हुआ है, तो हम अपने बच्चों को सरकारी एजुकेशन नहीं दिलवा पा रहे हैं कि इसकी वजह से, तो हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल रहे हैं, तो ये सरकारी स्कूल वाले भी बोल रहे हैं कि पहले इनका डिस्चार्ज लाओ, तो डिस्चार्ज जब प्राइवेट इंदिरा मेमोरियल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो मैं उनसे इनके वो लेने गई सर्टिफिकेट लेने गई, तो उन्होंने हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया, हमसे पैसे भी ले लिए और पिछला बैलेंस काट लिया उन्होंने। सर समस्या ये है कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ा सकते, जब तक हम हिम्मत ही हमने पढ़ाए और जब हम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं अब तो वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हमें, वो कह रहे हैं कि पहले पिछला बैलेंस लॉकडाउन का क्लियर करवाओ, और लॉकडाउन में हमारी बच्ची का अभी अभी हमने थोड़े दिन ही हुए 7-8 महीने लगभग हार्ट ऑपरेट करवाया उसका, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उनको पहले 50,000 पहले उनका बैलेंस दे और उसके बाद तो हम बच्चों को दोबारा से न्यू एडमिशन दिलवाए, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट की मैम कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट हमारे साथ करो, तो 1 साल का टाइम दे दो हमें, हम साल में कवर करेंगे आपका 50,000 5-5, 10,000 जितना भी हो सकेगा, तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, पहले हमसे 18,000 रुपये में लेके गई थी न्यू एडमिशन के लिए कि हमारे बच्चों को चलो इस साल की एडमिशन करो और चलाओ हमारे बच्चों को, तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, कहते कि पहले पूरा बैलेंस क्लियर करो उसके बाद, और न्यू स्लिप बना के दे दी हमें, तो मैं नहीं पढ़ा सकती। मैंने उनको ये भी कहा कि मैं सरकारी स्कूल पढ़ाना चाहती हूँ बच्चों को, आप सर्टिफिकेट दे रिटर्न में दे दो चाहे जैसे मर्जी दे दो, और कोई भी नहीं आ भाई यहाँ जहाँ भी स्कूल डाल रहे हैं तो पहले वो मांग रहे हैं वो डिस्चार्ज मांग रहे हैं बच्चों का, तो ये हमें डिस्चार्ज नहीं दे रहे हैं। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी? इंदिरा मेमोरियल के सर। तो अभी स्कूल के जो अभी प्रिंसिपल है वो उनका क्या कहना है? उनसे तो मेरी बात नहीं हुई, बट ये जो मैम है ना ये मैम नहीं जानती क्या नाम है उनका, मैम से बात हुई, उन्होंने मैंने कहा मेरी बात प्रिंसिपल मैम से करो, कहते हैं हम भी मैम ही हैं हमसे ही कर लो बात, मैम बिजी हैं अंदर, उन्होंने मेरी बात मैम से नहीं करवाई। आपके दोनों बच्चों का नाम क्या है? स्कूल में बेटी का सोनाली मेरा और बेटे का वंश मेरा। बात इस तरह से है कि हम अपने मेरी बच्ची का जो है वो हार्ट पेशेंट है, उसका हमने अभी थोड़े लगभग 7-8 महीने हुए हार्ट ऑपरेट करवाया है, उसमें हमारा बहुत खर्चा हुआ है, तो हम अपने बच्चों को सरकारी एजुकेशन नहीं दिलवा पा रहे हैं कि इसकी वजह से, तो हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल रहे हैं, तो ये सरकारी स्कूल वाले भी बोल रहे हैं कि पहले इनका डिस्चार्ज लाओ, तो डिस्चार्ज जब प्राइवेट इंदिरा मेमोरियल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो मैं उनसे इनके वो लेने गई सर्टिफिकेट लेने गई, तो उन्होंने हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया, हमसे पैसे भी ले लिए और पिछला बैलेंस काट लिया उन्होंने।